यहाँ पे आज मुस्लिम समुदाय का कार्यक्रम था सद्भावना का, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो मुस्लिम समाज के लिए जो काम हुए हैं, उन कामों की चर्चा हुई है। मुस्लिम समाज की वेलफेयर के लिए जो चीज़ें हुई उसके लिए हुई है, महिलाओं के लिए जो काम है उसके लिए चर्चा हुई है, और एक रेजोल्यूशन पास किया गया भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए। तो क्या मैसेज आप इस मंच से देना चाहते हैं पूरे देश को? देखिए, देश की आज़ादी से लेके देश की प्रोग्रेस में माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे देश की आज़ादी का संघर्ष हो, चाहे देश की डेवलपमेंट हो। और हम चाहते हैं कि आने वाला जो अमृतकाल का विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसमें भी माइनॉरिटी का जो योगदान है वो बेहतर होना चाहिए। बहुत अच्छा, आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। आज इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन और सूफी इस्लामिक बोर्ड के जानिब से ये फंक्शन तमाम एनजीओस और खानका के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन लोगों को अवार्ड से नवाजा गया, और एक मैसेज सद्भावना का इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन ने जो रखी, ये वाकई में एक तारीफ़ काबिल रहा। सूफी इस्लामिक बोर्ड के साथ मिलकर इस मजलिस को इतनी कामयाबी तक पहुँचाए, सतनाम सिंह सद्दू साहब जी, हेमानी सूद मैडम जी, हमारे अंजुमन इस्लाम के चेयरपर्सन कह सकते हैं आप डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, और बहुत से लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि इंसानियत, मानवता और सद्भावना की बात इधर उठी, जिसके ऊपर बहुत अप्रिशिएट किया गया। तमाम लोग आए थे, उन लोगों ने, हमारे मिनिस्टर जनाब अब्दुल सत्तार साहब ने भी बड़ा खूब अपनी बात रखी, और माइनॉरिटी को कितना फ़ायदा तुम उठा सकते हो, उन्होंने जो जुमले इस्तेमाल किए, वाकई में ये तारीफ़ काबिल है कि आज के दौर में भी ऐसे मिनिस्टर है जो माइनॉरिटी के लिए इतने बारीकी से सोचते हैं। थैंक यू। भाईचारा बढ़ा रहे, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना? मैं बोल रहा हूँ, अच्छी एक कोशिश है मेरे हिसाब से, तो अगर ऐसा एक स्टेप ले रहे हैं तो आई थिंक सो यूनिटी के लिए भी अच्छा है, अपने देश के लिए अच्छा है, प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, और हर चीज़ के लिए अच्छा है। अगर मिलजुल के भाईचारा बढ़ेगा तो आई थिंक सो देश की तरक्की भी होगी, और जो ये दिल में नफ़रत का बीज बोया गया है वो भी इंशाल्लाह दूर होगा, और हम लोग जैसे पहले थे, जैसे हम लोग के स्कूल टाइम में थे 90s में, आई थिंक सो वैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई, हर कोई एक साथ मिलके रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह यही चीज़ कंटिन्यू हो। थैंक यू।